स्पीडी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज पनीर पुदीना टिक्का बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पनीर को थोड़े बड़े क्यूब्स में काटना है। क्यूब्स का साइज ऐसा होना चाहिए ताकि आप सीख में लगा सकें। तो उसके बाद उसमें काला नमक, कसूरी मेथी, जीरा, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, काली मिर्च, ये सब को थोड़ा ऑयल में मिला के आप पनीर में लगा दीजिए, लगा के मैरिनेट कर दीजिए। उसके बाद आपको पालक पुदीना और थोड़ा सा उसमें हरा धनिया बराबर ले लीजिए, तीनों बराबर लेके उसका मिक्सर में पीस के उसका पेस्ट बनाइए। जब उसको पीसेंगे उसमें फ्रेश अदरक लहसुन, थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, हरी मिर्च डालिए और थोड़ा सा कच्चा जीरा डाल दीजिए और वो सबको दही डाल के पीस लीजिए मिक्सर में, और थोड़ा नमक डालिए उसमें अंदाज से, और ये पेस्ट को अब मैरिनेटेड पनीर के ऊपर लगाइए। दो बार आप कोट कर रहे हैं, एक बार तो आपने पहले धनिया वो सब का पाउडर, अमचूर पाउडर लगाया है, अब सेकेंड टाइम आप ये लगाइए पालक पनीर। लगाने के बाद अब थोड़ी देर के लिए आधा घंटा ऐसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद सीख लेके सीख में उसको मोतियों की तरह गूंथ दीजिए, जैसा पनीर टिक्का बनाते हैं या सीख कबाब जैसा बनाते हैं, तो उस तरह से लगा के उसको ग्रिल कीजिए। अच्छा, थोड़ा घुमा घुमा के ग्रिल कीजिए और बहुत लाजवाब टेस्ट होता है।